जमशेदपुर के मानगो के डिमला बस्ती एवं खलिया बस्ती में भाजपा नेता जटाशंकर पांडे एवं विकास सिंह के नेतृत्व में लोगों के बीच मोदी आहार का वितरण किया गया। इस दौरान राजेश साहू, अमरेंद्र पासवान, कन्हैया ओझा, अजीत सिंह, मुकेश शर्मा, टोनी सिंह, दुर्गास दत्त, संदीप सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया एक विकट परिस्थिति का सामना कर रही है। इस विकट परिस्थिति में भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और कई तमाम राजनीतिक पार्टियां और संस्थाएं जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए हर मुमकिन व्यवस्था करने में दिन रात लग कर दी। वहीं दूसरी ओर सारजा मदा मुखिया पर अपनी मनमानी कर लोगों को अपने घर से ही कम राशन दिए जाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। लोगों ने आज इस बात की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से कर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जमशेदपुर सारजा मदा से एसके शर्मा की एक रिपोर्ट। जमशेदपुर के शिक्षित बेरोजगार बाजार समिति सालगा झुड़ी के तत्वाधान में आज बाजार परिसर में असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता, भुवनेश्वर कुमार, दीपक जी, राजू जी समेत कई लोगों की भूमिका काफी सराहनीय रही। जमशेदपुर से एसके शर्मा की एक रिपोर्ट। आज पहली बार किए हैं, कम से कम हम लोग को लग रहा है कि 700-800 से ऊपर हो गए हैं और सभी चीज का पालन भी हो रहा है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा मिस हो रहा है। जो आप लोग से सहयोग है और आप लोग का इस तरीके मैंने कि यह कार्यक्रम करने का जो निर्णय लिए थे। धनबाद के संगत पंगत के प्रदेश संयोजक अमितेश सहाय के दिशा निर्देश पर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स आदि जरूरी सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। धनबाद से चंदन पाल की रिपोर्ट। हेलमेट लगवाइए। बारी छोटी गई सरकार के द्वारा उसको विधानसभा चुनाव और अभी माननीय इतिहास की हालिया माननीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी कह सकते हैं आप जो कोरोना का संक्रमण कह सकते हैं, उसको लेकर के भी काफ़ी लोगों के लिए काम करने का एक अवसर है। इसमें जहाँ तक हो सके लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला है। इसमें आजकल कोरोना संकट के दौरान जो देखा कि इस प्रकार से स्थल से इस स्थान से मीडिया का रोल बहुत सकारात्मक रहा, एक बहुत ही जनक सफर रहा। और शहर में आपको काम करने का मौका मिलता है तो आपकी एक पहले से समझ होती है। हालांकि प्रशासनिक रूप से कार्य करना किसी भी जगह पर बाहर किसी जगह पर तो और भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद जिस जगह से आप वहाँ वाकिफ हों वहाँ पर निश्चित तौर पर वो चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन साथ ही साथ काम करने का काम इसलिए एक अच्छा समय पर काम करने का। अचला अंश 17 के पूर्व जिला पार्षद राजू प्रभुकार ने आज कालिंदी पाड़ा एवं भुगलू डी के जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान तुलसी मुखी, बबलू जेना, संजय मंडल, राजेश भूमदा आदि लोगों की भूमिका अति सराहनीय। जमशेदपुर के बिष्टपुर में उत्कल युवा एकता मंच ने जरूरतमंद परिवारों के बीच जरूरी खाद्य सामग्री, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया। मौके पर बढ़ागुड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, दिनेश कुमार, बैजू मुखी, सुबोध कुमार, रंजीत कुमार समेत काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल थे। घारसिला के गालोडी में रांची हाईकोर्ट एवं घारसिला के मुंशी कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद विवादित जमीन पर जेसीबी द्वारा कार्य किए जाने पर गालोडी पुलिस ने तत्काल कार्य को रुकवा दिया है। वहीं गालोडी निवासी संजय अग्रवाल ने अदालत की अवमानना करने एवं लॉकडाउन के बावजूद कार्य करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में संजय अग्रवाल ने बताया कि दादा प्रहलाद राय अग्रवाल के नाम पर यह जमीन 6 बेटों पर अभी बंटवारा नहीं किया गया है। इसके बावजूद उनकी ताई ने बिना जानकारी दिए 5 डिसमिल जमीन बेच दी, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इधर जमीन क्रेताओं ने लॉकडाउन में भी जेसीबी लगाकर अपनी जमीन पर कार्य शुरू किया गया, जिससे संजय के सटे मकानों में काफी दरारें आ गई। लेकिन जांच के लिए पूर्व में घारसिला अनुमंडल अधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया है। संजय अग्रवाल का कहना है कि विवादित जमीन को कैसे बेचा गया। संजय अग्रवाल ने बताया कि रांची हाईकोर्ट में WPC 746911 के तहत मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि उनके पिता राधेश्याम अग्रवाल की तबीयत खराब है, पैरालिसिस एवं हार्ट अटैक के हुए मरीज हैं, जिसके कारण उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।
इस मामले में दूसरे पद से संपर्क करने की कोशिश की गई परंतु संपर्क नहीं हो पाया। पापा का नाम राधेश श्याम अग्रवाल, मेरे दादाजी का नाम प्रहलाद राय अग्रवाल, जो कि जमीन विवादित यहाँ चल रही है, जो कि हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है और सिविल में भी केस चल रहा है, घाटशिला मुंसिप कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ जमीन में तोड़फोड़ हो रहा है, जबकि एसपी को भी इसका इन्फॉर्मेशन किया गया हुआ है, गालोडी थाना के बड़े बाबू को भी इन्फॉर्मेशन किया हुआ गया है और घाटशिला थाना के प्रभारी को भी इन्फॉर्मेशन किया गया है, उनके बावजूद भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जेसीबी के द्वारा उनके तोड़फोड़ किया जा रहा है, जिसके हम गरीब हैं, जिसके चलते हमारी कुछ उपाय नहीं, कोई हमारी सहानुभूति नहीं दिखाया जा रहा है, कोई हमारे तरफ से नहीं ये हो रहा है, और पैसे वालों के जरिए सब कुछ सुना जा रहा है, क्योंकि वो पैसा वाला है, पैसे के जरिए वो खेल खेल रहा है, और हम गरीब हैं जिसके चलते हमारे गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, ऊपर तक चल रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर तक भी सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब की आजकल कोई नहीं सुनता, इसीलिए मैं आप सब भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि मैं जो मेरे जो कागज़ कलम के द्वारा मैं सही हूँ, उसके बावजूद भी हमारा कोई ये नहीं, सहयोग मैं मांग रहा हूँ आप लोग सभी से कि हमारा सहयोग करें और हमारे सहयोग की आप लोगों की कृपा करें, जिसके मैं आप लोगों का धन्य आभारी रहूँगा। बाबा बीमार है, हमारे माता पिता जो कि बीमार रहते हैं, फादर पैरालिसिस पेशेंट हैं, मम्मी बीमार रहती है, मम्मी बीमार रहती है, भैया बाहर रहते हैं और जमीन के जैसे तोड़ फोड़ के ही जिससे हमारे घर में भी क्षति पहुँची है ना, और हमारे रहने उने में दिक्कत होती है, मम्मी पापा बाहर जा नहीं सकते क्योंकि घर जमीन तोड़ने से घर में दरार आ गई है, घर में किस टाइम में क्या होगा बोलना मुश्किल है, जिसके थाना में भी खबर करी हुई है, संलग्न एक ठो दिया गया है पत्रिका लिखित, क्योंकि इसके जिम्मेवारी की इससे पहले भी मारपीट हुई, मारपीट में हमें पापा को बोला कि मार देंगे गाड़ देंगे सब कुछ किया, गाली गरम की, उससे उस टाइम ही थाना प्रभारी को खबर की गई, थाना प्रभारी ने इससे पहले जो बड़े बाबू थे सुधांशु जी जो थे उसने हमें पैसे की डिमांड की, तो मैंने पैसे भी नहीं दिए, पैसे के से मांगे पैसे नहीं दिए, जब वो घर यहाँ तोड़ने के लिए आए तो उसने अनुमति दे दी तोड़ो, जब हम लोग ने मना किया तो हमें पकड़ने के लिए लेके जा रहे थे, तो गांव वाले ने दो चार आदमी ने सहयोग किया कि इसे मत लेके जाओ, जिसके चलते माँ हमारी आ गई तो बोले कि लेके जाना तो हम लोग सबको लेके जाओ, जिसके चलते उन्होंने नहीं ले जाके पाए, और इनके थाना प्रभारी भी सहयोग दे रहे हैं, इसके चलते ये आगे बढ़ रहा है और हमारे सहयोग करने के लिए कोई नहीं है, मैं इसीलिए सबसे निवेदन बार बार निवेदन करता हूँ कि हमारा सहयोग करें, यही मेरे हिसाब से कृपा है। धन्यवाद। 13 डिसमिल अभी क्या किया गया है? अभी इसमें लॉकडाउन के होते हुए भी जेसीबी से तोड़फोड़ किया गया है, जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है, जबकि थाना में केस चल रहा है, सिविल में भी केस चल रहा है, हाईकोर्ट में भी केस निलंबित है, उसके बावजूद भी इन्होंने लॉकडाउन का परवाह नहीं किए हुए, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जेसीबी से काम चलाया है, जिसके जो कि आपको केंद्र सरकार के विरुद्ध में है, जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन करना केंद्र सरकार के विरुद्ध है। ये जो हमारे क्रेता जो है, जो जमीन लिए हैं वो हमारे बिना डिवाइडेड जमीन लिए हैं, जो कि अभी तक हमारा कोई बंटवारा नहीं हुआ है, इसमें हमारे 6 बंटवारे हैं, हमारे पापा जी के 5 भाई हैं और 4 बहनें हैं, जो कि अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ, जिसमें बहन का एक हिस्सा जाएगा, 5 भाई का हिस्सा होगा, जिसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ, 4 जन का हिस्सा करके बेच दिया गया, जिसमें हमारी ताई जी भी गोद गई हुई है ना, उसके बावजूद भी उसमें कुछ इसका हक नहीं होता, उसके बावजूद भी अपने हिस्से की जमीन वो बोल रहे कि मैंने बेची है, और हमारी चाची जी जो कि हमारे चाचा जी एक्सपायर करने के बाद उसके बाद बेची है, क्योंकि हमारे उसने कहा हमें बिना इन्फॉर्मेशन किए हुए, ना किसी का साइन किए हुए, ना हमारे पापा जी का, ना हमारे उस टाइम में चाचा जी जिंदा थे, ना उनका, किसी का नहीं, अगल बगल का किसी का सिग्नेचर किए हुए चुपचाप बेची गई है, जो कि उसका कानून के विरुद्ध है, जो कि कानून में नहीं लिखा गया है कि जो बिना किसी का इन्फॉर्मेशन के ज़मीन बिका जाए, जब बिना बंटवारा हुए हुए। हमारी ताई जी का नाम है ललिता देवी और हमारी चाची जी का नाम है बाला रानी, जो कि एक बार बाला रानी ने ज़मीन बेच दी गई थी, उसके बाद वो डेट कैंसिल की गई, फिर उसी के भाई ने फिर ज़मीन उसके जबरन उससे लिया गया, हाँ, जबकि जबरन उसके भाई ने फिर 1 महीने के अंदर ही नाम को फिर दोबारा ली गई, जबकि जानते हुए भी कि ये विवादित ज़मीन है तो फिर क्यों लिया गया, क्योंकि उसमें सिग्नेचर किसी का नहीं है, उसके बावजूद भी ज़मीन ली गई, हाँ, ज़मीन जानते हुए क्योंकि विवादित ज़मीन है, सिग्नेचर होना ज़रूरी है सबका,
और जमीन ली गई। उन्होंने गालोडी में जितने भी जमीन खरीदी है आज तक तो कोई सही जमीन नहीं खरीदी है, सबकी डिफॉल्ट जमीन खरीदती है, दरा धमका के कम पैसा दे करके जमीन खरीद लेते हैं और बाद में केस मुकदमा करके पैसे कुछ दे करके वो सलटाते हैं। इससे पहले भी कालोडी में 3-4 जगह जमीन खरीदा गया है, उसमें वो पैसे दे देते हैं और सलटा देते हैं कि चलो सलट गया और जमीन अपने ले लेते हैं। ये तो उनका धंधा है, ये सब कुछ धंधा होते हुए भी फिर भी जानते हुए भी गालोडी के सब निवासी जानते हैं कि ये 2 नंबर धंधा करता जमीन का, उसके बावजूद भी थाना प्रभारी उनके सहयोग में SP के लिखित दिए हुए हैं, CO को भी लिखित दिए हैं, ग्रामीण SP को जब हमने केस किया ग्रामीण SP के ऊपर लिखित दिए, उसने कहा कि आपका वकालतनामा जमा नहीं है। आज तक कोई कोई केस बिना वकालतनामा जमा दिए कोई केस होता ही नहीं है। CO को दिए लिखित, मम्मी नींदू देवी ने एक तो लिखित दी 2008 में कि जमीन का खरीद बिक्री का कैंसिल ये हो। 2008 में CO ने इन्फेक्शन ये किया तो 144 लाख के नाम उसने लिखा कि अभी तक कोई नामांतरण दूसरे क्रेता के पक्ष में नहीं हुआ, उसके बावजूद में 9 और 10 में क्रेता के पक्ष में जमीन हो गई। ये किस कोर्ट में और किस आधार के नियम के अनुसार हुआ, ये हमें न्याय चाहिए। हमारे ससुर की संपत्ति है, बेच दी गई है, हम लोग सब साथ में रहते थे और हम लोग 4 भाई हैं और 4 ननद है, 1 पोस्पुत्र की है, 1 जिठानी भी पोस्पुत्र गई है और हम लोग सब कोई लेटरिन बाथरूम भी हमारे यहाँ नहीं है, पूरी हम लोगों की दीवार गिर चुकी है और हमारा TV बगल में घर तोड़ दिया गया है, तो हम लोग कहीं बाहर में नहीं निकल सकते किसी टाइम में रात बिरात में हमला कर सकता हम लोगों का। हम लोग 3 आदमी हैं, 1 हमारा यहाँ लड़का, 1 हमारा पति है, 1 इंदू देवी है। तो इसके आप लोग अनुरोध से हमारी कृपा से और आप लोग हमारी देखभाल पूरी करें कि मैं यही आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आप हमारा परिवार को देखें और घर की मेरी जल्दी से जल्दी मेरा फैसला कब करवा दें। मैं और झमेला नहीं चाहती, मैं गरीब एक लड़की हूँ, गरीब घर की हूँ और मैं सहायता यही चाहती हूँ आप लोगों से। मैं आप लोगों को यही बुलाई हूँ कि मेरी आप सहायता करें और मेरा फैसला जल्दी से जल्दी, 1,60,000 में लिया गया था पहले और फिर मैं उनको 20,000 दे के छुड़ा ली, 60,000 भी मैंने उनके रिटर्न कर दिया, फिर उनने मांगा मेरा 20,000 पे खर्चा हुआ कोर्ट में, मैंने वो भी उनको पेमेंट कर दिया और फिर मेरी बड़ी जिठानी से 1.5 लाख में लिया और 4 लाख लिखाया गया है। मेरी इतनी संपत्ति ताकत नहीं है और अब ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे मुझे कुछ नहीं, और गाली गर्म बोलता है तुम लोगों लाओ इस लोहा का छड़, माँ बहन के गाली देते हैं, मुझे मारने के लिए तैयार है, गाली बिना बात नहीं करते हैं लोग, बेटा है, भाई है, बाप है, सभी कोई, अब बोलता तीनों को यहाँ पर मैं गाड़ दूंगी। तो फिर बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग हमारे सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं तो आप लोग के सहयोग के ही द्वारा बैठी हुई हूँ, भगवान जाने मैं आप लोग की भगवान के पद में झूठ नहीं बोलती हूँ, पूरा मेरे यहाँ गालोटी मेरा सहयोग है, पूरा गालोटी मेरे को सहायता दे रही है और ये लोग सबके साथ में ऐसे ही करते हैं, किसी को ये लोग अच्छे से। मैं आज 15 साल से लेटरिन बाथरूम घर में ही करते, मैं बेड में करवाती हूँ उनको और लेटरिन बाथरूम मेरे बहुत दूर जंगल में है और उनको पकड़ वाकर में चलते हैं वो, उनको आँख से सूझता नहीं है, तो मेरे एक लेटरिन बाथरूम के सहयोग से मेरे आप ऑर्डर दें कि और मैं ये दीवार बना सकूँ कि मैं कहीं बाहर जा सकूँ, मैं बच्चे को भी अकेले नहीं छोड़ सकती, किसी टाइम भी इसको मर्डर कर देगा, ये इनका कोई विश्वास नहीं है। थाना में इन्फोर्समेंट खबर कर दें कि मेरी देखभाल करें, रात बिरात हम लोग निकल नहीं सकते हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे एक आप अनुरोध रहे कि मुझे कल हमारा इस पार भी कर जाएंगे तो मैं उसे लाश निकालने का मुझे रास्ता नहीं है, पूरा मेरा दीवार गिर चुका है, तो मैं करूँ क्या, किसके इजाजत से आदेश से मैं घर बना सकूँ, यह मुझे बोले, इनके पापा को कुछ नहीं सूझ रहा है, एकदम अंधे बराबर ये तो देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बुला रहा, हमारा अनुरोध है कि आप मुझे एक दीवार ऑर्डर दीजिए और मेरे एक लेटरिन बाथरूम का मुझे रूम में ही मैं बनाऊंगी, ये भी नहीं और मेरा दरवाजा बनाने का अनुरोध है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ से विनती यही कर रही हूँ कि मुझे ये करें। जमशेदपुर उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में आज इंसिडेंट कमांडर के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अंतर्राज्यीय चेकनामा पर अन्य राज्य से आने वाले लोगों की जांच करने एवं 14 दिनों तक क्वारंटाइन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर फिजिकल डिस्टेंस करने का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने रमजान के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, जिला संपर्क पदाधिकारी समेत काफी संख्या में अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।